खूबी जो है पहली बार ऐसा हरकत कर रहा है जो अभी ऐसा किया है इसने, जो चटपटाना मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं साइड में था, और प्रिया भी जो देख के, प्रिया के ऊपर मैं कपड़े डालने के लिए गई थी और मम्मी भी शायद सो रही थी या क्या कर रही थी पता नहीं, जो उस टाइम पे मम्मी भी ध्यान नहीं दे पाई। अचानक से इसने ऐसे ऐसे हरकत कर लिया, बिस्तर पर चढ़ के, मम्मी के बेड पर चढ़ के जो है ना पूरा वहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो सुबह उठ के मैं आ गया हूँ अपने गार्डन में और यहाँ अपन अभी पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद अपन जो है नीचे जाते हैं, फिर नहा धो के रेडी होके फिर निकलेंगे अपने साइट के लिए। तो भाई यार ये देख, इसके अंदर में ना अच्छा खासा ना ऐसा देखो ऐसा ना फूल आ रहा था यहाँ, वो नीचे वाली आंटी तोड़ दिए यार, दिमाग ख़राब। अब क्या बोलूँ, जो भी हो गया। अब चलो भाई जल्दी से पानी भरते हैं, फिर अपन पानी डाल लेते हैं गार्डन में, फिर जल्दी तैयार हो जाएंगे, साइड जाना है। वो आज ऐसा है कि हमारे जो हनुमान नगर का साइड में जो मैडम है वो बोल रहे थे कि उनको जो है 10:30 बजे के आसपास में मीटिंग करना है कि क्या जो जो काम रहेगा वो बताने के लिए। पिछले बार उन्होंने क्या है उनके कहने पे जो बताया था उसके हिसाब से हमने चौखट तोड़वाए थे, उन्होंने चौखट वगैरह खुलवा के दिए थे हमको, क्या बोलते कारपेंटर से, उसका पल्ला, उसका कांच वगैरह सब चीज़ें खुलवा दी। और अभी वो मैडम बोल रही है कि मैंने उसको तोड़ने से मना किया था करके। तो मैं बोला मैडम आपने सारी चीज़ें उसको खुलवा के दिया और आपने बोला था कि उसको तोड़ना है करके, उस हिसाब से हमने उसको चौखट को निकाल करके दिए थे आपको। अब आप बोलोगे कि उसको नहीं निकालना था करके, तो आपको पहले ही बताना चाहिए था। अब ब्रेकर मशीन वाला बंदा जो उसको निकाल दिया, अब उसके बाद बोलने से क्या फ़ायदा। अब देखते हैं दूसरा कुछ जुगाड़ करेंगे उसको रखने के लिए करके, मैं बोला उनको। सारे पौधों में अभी पानी डाल दिया, तो मैं शुरू में जब पानी डाल रहा था तो रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था, तो आधा ये नीचे का सेक्शन पूरा पानी हो गया था, फिर दोबारा ऊपर में पानी जब डाला था अब याद आया यार रिकॉर्डिंग तो चालू ही नहीं किया करके, तो फिर उसके बाद मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया। तो ये इसमें दोबारा भी पानी डाला हूं, और ये सारे पानी डल चुके हैं। अब अपन चलते हैं साइट के लिए, तैयार होते हैं, नहा धो के रेडी होके अपन निकलते हैं साइट के लिए। भाई लेबर्स नहीं है यार, बहुत मुश्किल जा रहा है, बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है अपने को। अभी मैं अनुपम नगर वाला साइट पहुंच गया हूं, यहां का मीटिंग कंप्लीट कर लेता हूं फिर बात करता हूं मैं आपसे। तो भाई अभी अपने को ये वाला प्लास्टर कंप्लीट करना है आज, और हमारा जितना भी जो खिड़कियां हैं उन सबको आज हम लोग किसी भी हाल में कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा काम जल्दी से निपट जाए और हमको वहां का काम जो है उसको चालू करना है अपना अम्लीडी वाला। और हमारे पास मिस्त्री लोग बहुत शॉर्टेज हो गया है भाई, हमारे पास मिस्त्री है नहीं, तो हमको जितना जल्दी हो सके हमारा चिल्लर काम को हमको निपटाना है। और यहाँ पे तो मीटिंग के नाम पे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा चल रही है, कभी ये कभी वो ऐसा करके, तो ये सारी चीज़ें हो नहीं सकता। हमारा काम आज जो है, आज में हम लोग ये रिपेयरिंग का काम निपटाएंगे, कल फिर अंदर में बाथरूम का जो रिपेयरिंग है और ये वाला बाथरूम का रिपेयरिंग उसको हम लोग फाइनल करेंगे जब इलेक्ट्रिशियन का काम हो जाएगा, उस हिसाब से अपना काम कम्प्लीट होगा। तो भाई यहाँ पे तो सारे काम ना हॉटस्पॉट और सब चीज़ें उल्टा पुल्टा हो रहा है, कोई काम जो ऐसा नहीं है कि भैया कोई अपने हिसाब से, क्लाइंट अपने हिसाब से बता रहा है, प्लम्बर अपने हिसाब से बता रहा है, टाइलर अपने हिसाब से बता रहा है, और क्लाइंट भी अपने हिसाब से डिसाइड भी नहीं कर पा रहा कि उनको चाहिए क्या है। उसके हिसाब से कम से कम बाकी लोग तो अपना काम को अरेंज कर दें, हम लोग बीच मजाक में अटक गए कि कौन सा काम हम लोग करें कि नहीं करें, ये सब चीज़ों की वजह से हॉटस्पॉट हो रहा है। मैं तो बोल दिया हूँ 2 दिन के अंदर में मेरे को अपने यहाँ का काम कम्प्लीट चाहिए, कल में किसी भी हाल में हमारा बाकी जो भी काम रहेगा उसको देखेंगे। पहले तो हमारा जितना भी रिपेयरिंग है खिड़की का, जैसे ये खिड़की हो गया, दूसरे खिड़कियाँ हो गया, ये सारे रिपेयरिंग आज में कम्प्लीट करेंगे, और कल हमारा जो क्या बोलते हैं ब्रेकर मशीन वाले बंदे हैं वो आके जो है ना यहाँ पर जो बाथरूम है जिसको छीलना है वो छीलने के बाद अगले दिन अपना आदमी लगाएंगे इधर पर क्या बोलते हैं प्लास्टर करने के लिए। उसके अलावा ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हर दिन अपना आदमी यहाँ पर छोड़ दें, जिसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कोई भी काम को। तो हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग काम का, सीधी सिंपल सी बात है, अब क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उनको क्या क्या करवाना है, उसके हिसाब से उस सारी चीज़ों को एक एक करके करवाते हुए जाएंगे।
हमारे प्लम्बर अपना अभी काम चालू कर दिया यहाँ पे, तो ये पाइप निकाल के नया पाइपलाइन बिछाएंगे। हम लोग को ये पूरा दीवार छिलवाना है, उसके बाद इसको प्लास्टर करके देना है इनको पूरा, और अंदर वाला जो बाथरूम है उसका भी ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसको सिलाई करके उसको अभी हम लोग को प्लास्टर करके देना पड़ेगा, ताकि टाइल्स वाले अपना टाइल्स लगाएंगे। हमारा जितना भी खिड़कियों का काम है वो आज में हम लोग को ख़त्म करना है, तो हम लोग खिड़कियाँ पूरा ख़त्म करेंगे, और जो चौकट वॉकट जो भी रिपेयरिंग करना रहेगा उसको भी उस हिसाब से करेंगे। तो जितना जल्दी इधर का काम निपटाएंगे तभी हमारा हाथ में खाली होगी, दूसरा वाला साइड में हम भेज पाएंगे इनको। तो भाई अभी हम लोग का जो इधर का जो काम है, इधर तोड़ने का काम तो हो गया है और हाइट अपन यहाँ पे रख दिया है। अब इसके हिसाब से जो है हमारा जो ये चौखट है ये भी निकलेगा, और यहाँ पे ये चौखट वगैरह नहीं रहेगा। अब इसको हटा देंगे, मतलब चौखट हटा के फिर ये प्लेन हो जाएगा, और ये वाला एरिया जो है ये वाला भी अपने को क्लोज करना है। इधर का काम निपटने के बाद ही अपन जो है ना आगे का काम जो है अपना कम्प्लीट कर सकते हैं। तो ऊपर का काम तभी होगा जब ये नीचे का काम अपना, ये छिल छिलाने वाला काम जो है ना ये सब चीज़ें करना, और हम ब्रेकर मशीन को भी लेकर जाना है यहाँ से लेडी वाला साइड के लिए। हमारा जो यहाँ पे कोई पाइपिंग वगैरह का काम है, तो वो पाइप जो है हमको जो चाहिए वो हमको मार्केट में पता करना है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ अभी वहाँ जाके पता कर लेता हूँ मार्केट में कि वो पाइप कहाँ मिलेगा और जो साइज़ में अपन बोल रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर मिल जाता है तो अपन फिर वहाँ से फिर क्या उसको लेके इधर पे भिजवाएंगे। तो चलो अपन चलते हैं और उसको पता करते हैं पहले। तो भाई अभी अपन पाइप वाले दुकान में आ चुका है, ये भारत ट्रेडिंग कंपनी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये है दुकान, यहाँ पे पाइप वगैरह मिलता है, हम लोग साइट के लिए भी यहीं से पाइप वगैरह लेके आते थे, तो अभी देखते हैं यहाँ पे मिल जाएगा तो अच्छा है बढ़िया अपने लिए। भैया 1.5x1.5 का पाइप चाहिए था अपने को, मिल जाएगा? हाँ। क्या प्राइस है? 40 फिट लगेगा। तो देख लो भाई यहाँ पे इतने सारे पाइप्स है, जिस किसी को भी पाइप लेना तो यहाँ से ले सकते है। ये 1.5x1.5 का है ना? ये फुल हो गया। अच्छा, रेट 8-10 रुपये ज़्यादा रहता है। अच्छा, और दूसरा जो है ये वाला है ना, ये आपका 11 किलो का है, ये 11 13 किलो का, 13-14 किलो, ये वाला 13-14 किलो का, ठीक है। और वो थोड़ा और ज़्यादा मतलब वजन है, वो 2 इंची का है, 2 इंची का है, ठीक है ना। मैं एक बार फोटो भेज देता हूँ। 20 किलो का अपोलो का, ये अपोलो का 20 किलो का है, ठीक है। और ये 11 किलो और 14 किलो, ठीक है। एक बार रेट भी थोड़ा सा बता देता हूँ ना उनको। तो इधर पे सारे पाइप्स वगैरह मिल जाएगा आपको, उस हिसाब से आप ले सकते हैं। ये हम लोगों ने पाइप ले लिया है, देखो हमारा जो पाइप है ये लोड भी हो चुका है, और ये जो पाइप अभी जा रहा है अपना साइट में, तो हमारा जो इंजीनियर है उनके घर में जा रहा है अभी ये वाला पाइप, तो ये अभी जल्दी से पहुंचा देंगे इसको, और उसके बाद जो है हम भी निकलेंगे यहाँ से फिर अमलीडी वाला साइट के लिए। स्कूबी ने क्या देखा बता, स्कूबी? नहीं नहीं, ये कुछ सपना उपना देख लेते ना तो डर जाते हैं लोग, इसीलिए वो बिस्तर हो या कहीं पर भी हो ना वो चढ़ के ना फिर अपना घबराहट ना वो करता है, हाथ पैर मारना चालू कर देता है। जैसे सपना देखता है ना मम्मी, कोई भी जैसे डरावना सपना हो गया, जैसे इनके कुत्ते लोग आपस में काट पीट कर रहे हैं या कुछ भी हो, जैसे कहीं पानी में फंस गया, किसी जगह पे फंस गया, अपन बच्चे लोग भी सपना देखते तो वैसे टाइप का सपना देख के वो बेचारा घबरा गया, तुरंत उसको ना थोड़ा सा ना पानी वानी भी पिला दिया कर। क्या हो गया स्कूबी, तेरे को क्या हो गया, तू टेंशन में क्यों आ गया एकदम, हैं इतना टेंशन में कैसे आ गया स्कूबी? तो भाई मुझे अभी साइड से अर्जेंट ना भाग के आना पड़ गया। वो एक्चुअल में क्या हुआ, हमारा जो स्कूबी है ये देखो, ये सो रहा था मम्मी के रूम में, तो अचानक से इसको क्या हुआ पता नहीं, ये ना घबरा गया, और एकदम घबरा के क्या किया मालूम, सीधा मम्मी का जो बेड है उसके ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद वहाँ पे जो है ना एकदम मतलब घबराहट में जो हाथ पैर मारता है ना वैसा टाइप का मार रहा था। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा एक बार ना जिम्मी भी ऐसी हरकत किया था बहुत पहले, तो उस टाइम पर जो किया था, मुझे लग रहा है ये ना हो सकता है कि इसको ना कुछ सपना अपना देख के ना ये घबरा गया होगा, जिसके कारण ना ये ऐसा हरकत किया है। जो भी अभी मैं इसको थोड़ा सा ना इसका टेंशन दूर करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे, साइड से भाग के आना पड़ गया, तो अभी इसका थोड़ा सा मेरे को देखने का क्या थोड़ा सा टेंशन हट जाता है इसका, क्योंकि ये मेरे साथ फ्री रहता है, तो मैं इसको लेकर अभी थोड़ा सा घूम रहा हूँ बाहर में, अगर ये थोड़ा नॉर्मल हो जाता है फिर उसके बाद जो है ना दिक्कत नहीं पड़ेगा, वरना क्या ये घबराहट में फिर क्या और घर में क्या करेगा पता नहीं, और मम्मी और प्रिया अकेले संभाल नहीं सकते इन लोगों को, कि इनको कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स हो जाता है ना तो पता नहीं चलता है। और डॉग्स ऐसा है भाई जो बेजुबान रहता है ना, इन लोगों को ना कुछ भी होता है ना अपने को भी समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या हुआ करके, उस टाइम पे इसको काम डाउन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपना साथ इनको रख सकते हैं
और जितना हो सके इनको जो है ना थोड़ा शांत करने की कोशिश कर सकता है। तो वैसे ही मैं अभी इसको कोशिश कर रहा हूँ, अभी बाहर इसलिए लेके आया हूँ घुमाने के लिए ताकि इसका जो माहौल है, इसका माइंड जो है ना थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, उसके लिए लेके आया। तो अभी इसको घुमा रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा ना, फिर अंदर लेके जाऊँगा इसको। वो भी जो है पहली बार ऐसा हरकत कर रहा है, जो अभी ऐसा किया इसने, जो चटपटाना मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं साइड में था, और प्रिया भी जो देख के, प्रिया के ऊपर मैं कपड़े डालने के लिए गई थी और मम्मी भी शायद सो रही थी या क्या कर रही थी पता नहीं, जो उस टाइम पे मम्मी भी ध्यान नहीं दे पाई। अचानक से इसने ऐसे ऐसे हरकत कर लिया, बिस्तर पर चढ़ के, मम्मी के बेड पर चढ़ के जो है ना पूरा वहाँ पर क्या बोलते हैं घबराहट की वजह से वो क्या बोलते हैं वो बिस्तर को खुजाना चालू कर दिया था, नाखून से खुजाते हैं ना बिस्तर को, वैसे ही खुजा खुजा के पूरा ख़राब कर रहा था अचानक से। और थोड़ा बहुत घबराहट भी इसका जो है ना अजीब टाइप का हो गया था करके बोल रही है प्रिया, क्योंकि इससे पहले जो इस तरीके का हरकतें करता है जैसे ज़मीन खोदने का काम करता है ना, तो वैसा हरकतें अपने को समझ में आता है, लेकिन ये जो अभी जो हरकत किया है वो थोड़ा अजीब टाइप का था। तो प्रिया भी टेंशन में आ गई, तो तुरंत प्रिया मेरे को कॉल करके बताई, और ये तो गनीमत था कि मैं नज़दीक वाला साइट में था तो इसलिए मैं जल्दी से आ गया हूँ अभी ये स्कूबी को देखने के लिए। और ये अभी थोड़ा सा ना मूड ऑफ में चल रहा है, देखो अभी भी जो है ना थोड़ा अपसेट में, और ये घबरा जाता है जल्दी, अगर इसको जैसे बांध के रखता हूँ ना तो उसको लगता है कि इसको मैं छोड़ के कहीं जा रहा हूँ करके, ये ना एकदम घबराहट में ना रोने लग जाता है और एकदम कपकपाने लग जाता है हमारे स्कूल में। दिखने के लिए तो पूरा हिम्मत दिखाता है, लेकिन जहाँ उसके घर वाले उसके साथ में नहीं रहेंगे ना तो एकदम से वो डर जाता है और तुरंत कपकपाना चालू कर देता है। खैर अब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल हो जाएगा ये, लेकिन कुछ डॉग्स को ऐसा होता है तो इसीलिए हमको क्या ना हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, ये डॉग्स को, डॉग्स का ख्याल इसीलिए रखना पड़ता है भाई, इन लोगों को भी मेंटल ट्रॉमा जो है ना वो होते रहते हैं, है ना स्कूबी। अरे स्कूबू स्कूबू डा स्कूबी दो बैठी है ना, देखो पूछ ला रहा है, रिस्पॉन्ड तो कर रहा है वो अभी। ओके ले हटना बेटा, आधे बेटा अच्छे किचन ले। तो भाई इसको भी अभी थोड़ा नॉर्मल लग रहा है मेरे को, बाकी तो आगे देखते हैं। नॉर्मल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे नॉर्मल जैसे मैं आते टाइम बिहेव करता था वैसे ही बिहेव अभी कर रहा है, अब देखते हैं कैसे इसका रिस्पॉन्ड रहेगा करके, आज कल में पता चलेगा। चलो बढ़िया है, नॉर्मल बिहेव करे तो अच्छी बात है।